ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला खेला जाने वाला है। और आज का जो मैच है दोस्तों ग्रैंड लीग में बहुत ही ज्यादा शानदार है, क्योंकि आज के मैच में आपको बहुत सारे डिफरेंशियल प्लेयर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों डेविड वार्नर रहने वाले हैं। इनके जो हेड टू हेड में रिकॉर्ड रहे हैं 166 रन के, प्लस फॉर्म भी बेहतरीन चल रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, जरूर ट्राई करना। दूसरे जो ट्रम्प कार्ड पिक है वो है ट्रेविस हेड, दोस्तों 0 रन पर आउट हो रहे हैं लास्ट टेस्ट में, और ऐसा प्लेयर जो ड्रॉप आउट होता है इंपॉर्टेंट रहता है, तो आज इनको भी ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है आपको। तीसरे जो प्लेयर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया से ही है स्टीव स्मिथ, दोस्तों लास्ट मैच मिस करा था, इस मैच में वापस से बैक करेंगे। सो एज अ प्लेयर जो बैक करता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस देकर जाता है ग्रैंड लीग में। इन तीन को आपको जरूर ट्राई करना है। स्टीव स्मिथ को दोस्तों चेजिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया जब करे तब जरूर ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर पहले बैटिंग करे तब इनको जरूर लेके चलना। चौथे जो प्लेयर रहेंगे दोस्तों जॉस इंग्लिस से, पहली बैटिंग करती है अगर ऑस्ट्रेलिया तो ये प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूर ट्राई करके चलना। पांचवा जो प्लेयर है दोस्तों मुस्तफिकुर रहीम है। इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड रहा है 2019 में जो मैच खेला गया था उसमें इन्होंने भी शतक मारी थी, तो इनको भी जरूर ट्राई कर लेना, आज के मैच में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में जरूर लेके चलना, क्योंकि सिलेक्शन इनका थोड़ा सा कम होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा छठे नंबर की प्लेयर की बात करूँ दोस्तों तो महमूदुल्लाह है। लास्ट जो हेड टू हेड खेला गया था उसमें इन्होंने भी 16 रन बनाए थे और फॉर्म में चल रहे हैं, इनको ट्राई कर सकते हो, अपनी मैक्सिमम जीएल टीमों में इनको लेके चल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मुस्तफिकुर रहीम रहमान को सॉरी रहमान को जरूर ट्राई करना, लास्ट मैच नहीं खेले थे और ये अगर बैक करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आठवें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है महदी हसन, महदी हसन या फिर दोस्तों नसो मेहमान, जो भी प्लेयर आता है साकिब अल हसन की जगह पे, तो इनको आप जरूर ट्राई कर लेना। तो ये आठ प्लेयर ऐसे रहेंगे जो आज के मैच मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा धमाका कर सकते हैं, तो इनको ग्रैंड लीग में आप रोटेट कर सकते हो। किसी टीम में किसी प्लेयर को हटाया, किसी टीम में किसी प्लेयर को लिया, इस तरीके से अगर रोटेशन घुमाओगे तो आप बहुत अच्छी टीम बना सकते हो। मैंने आज दोस्तों 10 अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाई है, ये 10 टीम आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अपन ने जो टीम बनाई है अलग अलग लॉजिक के हिसाब से बनाई है, अलग अलग प्लेयर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाई है, ताकि ग्रैंड लीग में कुछ अच्छा विनिंग कर सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहली टीम से, और आज मैं आपको बता दूं मैंने अपनी मैक्सिमम जो टीम बनाई है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही बनाई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। इनके बीच में जो हेड टू हेड मैचेस जितने भी हुए उसे मात्र एक मैच में बांग्लादेश ने विन करा, बाकी सारे के सारे में ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड रहे हैं अच्छे विनिंग के। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आप टीम बना सकते हो, और काफी अच्छा इसमें विनिंग रहने वाला है। इस मैच में जैकपॉट मैच है, साकिब अल हसन ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं बांग्लादेश की टीम से, तो अब इनकी टीम थोड़ी सी और वीक हो चुकी है दोस्तों। तो पहला टीम कॉम्बिनेशन देखो ऑस्ट्रेलिया के, मैंने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, 8 प्लेयर लिए हैं, बांग्लादेश के 3 प्लेयर लिए हैं, और यहाँ से कैप्टन कौन है, डेविड वार्नर। टॉप ऑर्डर के दोस्तों मैंने बैट्समैन ले रखे हैं यहाँ पर, और ये टीम दोस्तों आप तब जरूर लगाइएगा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो, क्योंकि अपन ने यहाँ पर जॉस इंग्लिस तक की बैटिंग ली है, यानी कि जॉस इंग्लिस की भी बैटिंग आएगी, इस सोच के मैंने टीममेट इनको ट्राई कर रखा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो ये टीम काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देकर चल सकती है, बट अगर चेस करता है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, कुछ एक आध दो प्लेयर को हटा के टीम कॉम्बिनेशन आप चेंजेस कर सकते हो। महमूदुल्लाह मेहदी हसन लिया है, मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन दोनों प्लेयर खेलेंगे, और मेहदी हसन बैक करने वाले हैं दोस्तों साकिब अल हसन की जगह पे, तो ये अगर आते हैं तो इनको आप जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। आज के मैच में कुछ अच्छा कर सकते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स आपको दिला सकते हैं। इसके अलावा एडम जाम्पा है, मिच स्टार्क है, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल को इस टीम में ट्राई कर रखा है। दोस्तों पहले जो आप मेरी टीम देख रहे हो ये सारे के सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनका हेड टू हेड परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, यानी कि दोस्तों मुस्तफिक और रहीम ने भी शतक मारी थी, तो उनको वाइस कैप्टन ट्राई कर रखा है। कैप्टन वार्नर को इसलिए बनाया क्योंकि इन्होंने लास्ट हेड टू हेड में शतक मारी थी। इसके अलावा स्टीव स्मिथ बैक करेंगे तो इनको लेकर चल रहा हूँ, हेड 0 पे आउट हुए थे लास्ट टेस्ट में तो इनको मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉस इंग्लिस भी 0 पे आउट हुए थे तो इनको मैं लेके चल रहा हूँ इस टीम में। इसके अलावा स्टोइनिस, मैक्सवेल, मिच स्टार्क और एडम जाम्पा, इन तीनों के चारों के जितने को भी ले रखा है सबके हेड टू हेड में एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। मेहदी हसन को इसलिए लिया है क्योंकि बैक कर रहे हैं, और बैक वाला प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ग्रैंड लीग में आता है। इन्होंने दोस्तों इस वर्ल्ड कप में 2 बार बैक करा है, मतलब 2 बार इनको हटाया गया है, 2 बार वापस से बुलाया गया है, और उन दोनों मैचों में इनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है, तो इसलिए ये मुझे आज इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके अलावा महमूदुल्लाह को भी इस टीम में ट्राई करा है क्योंकि हेड टू हेड में 69 रन की इन्होंने बेहतरीन नॉक खेली थी। तो ये टीम दोस्तों हेड टू हेड को रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो हेड टू हेड 2019 में खेला गया था। दूसरी टीम देखना, दूसरी टीम दोस्तों वापस से अपन ने बनाई है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, 8-3 का कॉम्बिनेशन है, कुछ प्लेयर यहाँ पर रोटेशन घुमाया है, जैसे कि ट्रेविस हेड को मैंने कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन किसको, डेविड वार्नर को, और मिच मार्श को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मैक्सवेल और पांचों के पांचों मेन बॉलर ले रखे हैं ऑस्ट्रेलिया साइड से, नाजमुल हसन टो, महमूदुल्लाह और मुस्तफिकुर रहीम का कॉम्बिनेशन इस टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। बांग्लादेश से बॉलर ज्यादा नहीं लिए क्योंकि अपन टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश बॉलर बुरी तरीके से पिटाएंगे, विकेट नहीं मिलेंगे, इस कारण से ये टीम कॉम्बिनेशन अपन ने ट्राई कर रखा है दोस्तों।
को। दूसरे के बाद तीसरा नंबर का टीम कॉम्बिनेशन देखो, इसमें क्या कर रखा है, इसमें एक अच्छा बैटिंग फ्रेंडली विकेट के हिसाब से मैंने टीम बना रखी है। इस वेन्यू पे दोस्तों रन अच्छे खासे बनते हैं, पूरे महाराष्ट्र का मैच वेन्यू है और यहाँ पर रन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, प्लस पेसर को थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा देखने को मिलता है, उस अकॉर्डिंगली मैंने अपनी टीम ऑन क्रिएट कर रखी है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कैप्टन कौन है, मिच मार्स है, वाइस कैप्टन कौन है, स्टीव स्मिथ है, थोड़ा सा प्लेयरों को रोटेशन घुमाया और मैक्सिमम जो टीम बनाई है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवरेट बनाई है। आज के इसमें एकमात्र टीम मैंने ऐसी बनाई है जो कि थोड़ा सा मैंने डोमिनेट कर रखा है बांग्लादेश के फेवर में, अदरवाइज सारी नौ टीमों मैंने ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही बनाई है दोस्तों। इस टीम में मैक्सवेल है, मिच स्टार्क है, एडम जाम्पा है और बैटिंग फ्रेंडली टीम है, तो यहाँ से मैंने जो इनफॉर्म बैट्समैन है बांग्लादेश के उन प्लेयरों को प्रीफर करके ये टीम क्रिएट करी गई है दोस्तों। यहाँ पर देखोगे चौथे नंबर की टीम की बात करें, इसमें मैंने बॉलरों के साथ कॉम्बिनेशन घुमाया है, बॉलरों को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करा है। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है तो ये टीम आप जरूर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर चेस करता है तो भी आप लगा सकते हो क्योंकि ये टीम बॉलिंग फ्रेंडली है। सामने वाली टीम से देखोगे तो आपको बॉलर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों वहां से भी, तो यानी कि बैट्समैन अगर कॉलेप्स होते हैं दोनों साइड से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है तो ये टीम आपको काफी अच्छा करके दे सकती है। जॉस इंग्लिस है, स्टीव स्मिथ है, टॉप ऑर्डर के जो तीन बैट्समैन रहते हैं दोस्तों मेन ऑस्ट्रेलिया के, उन तीनों को मैंने हटाया है क्योंकि बहुत बार होता है कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर जल्दी आउट जाते हैं, स्टार्टिंग में अच्छी स्विंग मिलती है बॉलरों को, मदद मिलती है पेसरों को, तो इस कारण से मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों पर डिपेंड करके टीम बनाई है। माहदी हसन को लिया है और यहाँ से मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड के बॉलरों को, ठीक है, क्योंकि मिच स्टार्क अगर टॉप ऑर्डर कॉलेप्स होगा बैटिंग इन्हीं की भी आएगी और ये भी थोड़ा बहुत रन करके जा सकते हैं। और एडम जाम्पा की भी आपने परफॉर्मेंस देखी है, लास्ट सेकंड मैच में इनकी बैटिंग देख ही ली है किस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी थी, और बॉलिंग में तो अभी बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ये चल रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरी टीम है चौदह नंबर की जो कि आप ग्रैंड लीग में लगा सकते हो, बॉलिंग फ्रेंडली है, थोड़ी सी आउट ऑफ द विकेट नेचर की बना रखी है दोस्तों। पांचवें नंबर की टीम देखो, पांचवें नंबर की टीम में अपन ने क्या करा है, ट्रेविस हेड को रखा है कैप्टन, स्टीव स्मिथ को रखा है वाइस कैप्टन। इस टीम में मैंने थोड़ा सा ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है, जो प्लेयर लास्ट टेस्ट में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, जीरो रन पर आउट हुए थे, प्लस जो नया आ रहा है उन प्लेयरों को लेकर टीम बनाई है। तो यहाँ पर आपको वार्नर देखने को नहीं मिलेंगे, मिच मार्स देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर ट्रेविस हेड जो जीरो पर आउट है तो उनको ट्राई कर रखा है, स्टीव स्मिथ की बैक होगी तो इनको ले रखा है, इसके अलावा जोस इंग्लिस भी जीरो रन पर आउट हुए थे तो इनको भी मैंने ट्राई करा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैच खेला गया था। महमूदुल्लाह को लेके चला हूँ दोस्तों, स्टॉइनिस को लेके चला हूँ, महदी हसन को लेके चला हूँ, पैट कमिंस, मिच स्टार्क और एडम जाम्पा को इस टीम में लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मुस्तफिक और रहीम और सौरीफुल इस्लाम को मैंने ट्राई करा है, मुस्तफिक और बेक करेंगे मुझे लग रहा है कि आज अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और सौरीफुल दोस्तों इनफॉर्म बॉलर है, इन पर अपन ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो ये टीम भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। पाँचवें नंबर की टीम है जो कि जो प्लेयर लास्ट टेस्ट में कुछ खास नहीं करके जा पाए थे उनको लेकर टीम क्रिएट कर रखी है। पांचवें नंबर के बाद छठे नंबर की टीम की देखो, ये टीम पूरी डोमिनेट कर रखी है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले चेस करता है तो इस टीम को आप जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर का जो बॉलर है वो सामने वाली टीम के बैटिंग को कॉलेप्स कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ के टॉप ऑर्डर के बॉलर्सों को नहीं लिया है, सॉरी बैट्समैनों को नहीं लिया है। और यहाँ पर आप देखोगे मिडिल से मैंने इनकी बैटिंग स्टार्ट करी है, प्लस दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को ले रखा है, और मिडिल में कौन बॉलिंग करने आते हैं, महदी हसन मिराज, तो अगर इनके विकेट भी गिरते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के तो अपने बॉलरों के पाले में जाने चाहिए, इस कारण ये दो बॉलरों को लिया है, प्लस बैटिंग में भी इनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये टीम भी काफ़ी सोच समझ के बनाई है, इसमें अगर आप चाहो कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से बनाना तो बिल्कुल आप बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये अच्छे पिक हैं, इनको भी आप ट्राई करिएगा। और इस टीम में थोड़े से मैंने डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ही ट्राई करे हैं, हेजलवुड को बहुत कम लोग कैप्टन बनाएंगे, आधा परसेंट सिलेक्शन भी नहीं है इनका कैप्टेंसी के लिए, पैट कमिंस के साथ भी दोस्तों कम ही लोग कैप्टेंसी के रूप में जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने इस हिसाब से ये टीम बनाई है, थोड़े से रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रखे हैं। सातवें नंबर की टीम देखो, पूरी की पूरी डोमिनेट कर रखी है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, और इस टीम को आप तभी लगाना अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो, क्योंकि दोस्तों उस कारण से ही क्या होगा, अपन ने मिडिल ऑर्डर के जो बॉलर्स हैं सॉरी बैट्समैन हैं उनको ट्राई कर रखा है। जॉस इंग्लिस की बैटिंग आपको पता है काफ़ी नीचे है, स्टीव स्मिथ में काफ़ी नीचे बैटिंग करेंगे, तो अगर दोस्तों चेजिंग में आप ये टीम लगा दोगे तो ये टीम आपको लॉस करवा के दे सकती है, बट अगर पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया तो हाई चांस है कि जॉस इंग्लिस की भी बैटिंग आए, स्टीव स्मिथ को भी बैटिंग का मौका मिलेगा, मैक्सवेल फिर से बैटिंग करते आपको देखेंगे 209 के बाद भी वापस से, और यहाँ पर इस हिसाब से टीम बनाइए। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करेगी तो आप ये टीम ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इस टीम को चेंजेस करना पड़ेगा, और जो चेंजेस होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हो तो जुड़े जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों। सातवें नंबर के बाद आठवें नंबर की टीम देखो,
इस टीम में मैंने दोस्तों क्या कर रखा है, थोड़ा सा स्पिन डोमिनेट टीम बनाई है। कई बार क्या होता है दोस्तों, स्पिनरों को बहुत मदद मिलती है वेन्यू पे, उस अकॉर्डिंगली ये टीम क्रिएट कर रखी है। और इंग्लैंड का दोस्तों जो मैच खेला गया था उसमें मोइन अली ने 3 विकेट प्लस आदिल रशीद ने 3 विकेट इस वेन्यू पे निकाले थे। तो इसीलिए दोस्तों एक टीम स्पिन फ्रेंडली जरूर ट्राई करा करो, बहुत अच्छा करके देती है। अगर स्पिनर को मदद मिलती है तो वो टीम काफी यूनिक आपको परफॉर्मेंस दे जाती है। मैक्सवेल को रखा है कैप्टन, एडन जाम्पो को रखा है वाइस कैप्टन, मिच स्टार्क है, सॉरी फुल, मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही टीम देखने को मिलेगी। और नाजमुल हसन सेंटर को इस टीम में मैंने ट्राई कर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो ये टीम कॉम्बिनेशन 8वें नंबर का है। नवा कॉम्बिनेशन देखो, इसमें दोस्तों मिच मार्श को रखा है वाइस कैप्टन, डेविड वार्नर को रखा है कैप्टन, टॉप ऑर्डर को लेके ही कैप बाई स्कैप करके ये टीम क्रिएट करी गई है। इसमें दोस्तों मैंने बॉलरों में सोरेफुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिकुर रहीम और लिटन दास को ट्राई कर रखा है। मतलब इस टीम में दोस्तों मैंने पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर नहीं ली है बांग्लादेश की साइड की। क्यों नहीं ली है, कई बार क्या होता है बैटिंग पूरा कॉलेप्स हो जाता है, फिर मिडिल में आके बॉलर से स्कोर कर जाते हैं जितना तो बैट्समैन भी नहीं करके। और इस वर्ल्ड कप में अपन ने ऐसा बहुत बार नोटिस करा है। प्लस दोस्तों अगर इनके प्लेयर्स आउट भी होते हैं तो ये अपने पास डेथ के बॉलर्स हैं। और ये टीम दोस्तों तब जरूर लगाइएगा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो, क्योंकि ये जो अपन ने प्लेयर ले रखे हैं जैसे कि मुस्तफिकुर रहीम, सोरीफुल इस्लाम, ये देते में बॉलिंग करते हैं। और मैंने यही सोच के इनको लिया है कि इनिशियल में तो इनकी कुटाई होगी, इनिशियल में विकेट नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन देते में जब ये बॉलिंग करने आएंगे तो दो दो तीन तीन या चार चार विकेट भी इनको मिल जाए तो अपनी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। साकिब अल हसन सॉरी, पाकिस्तान के बीच में जो मैच खेला गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी कुछ इस तरीके से ही हुआ था। डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श, इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, सॉरी ट्रेविस हेड थे, इन दोनों ने बहुत बड़ी बड़ी नॉक ऑन खेल ली, 100 100 रन पार कर दिए थे। और स्टार्टिंग में वॉर्नर को विकेट नहीं मिले, लेकिन डेथ में जब बॉलिंग करने आए हरीश श्रॉफ 4 विकेट निकाल गए, और साकिब अल हसन सॉरी साइंस अफरीदी आए तो 5 विकेट निकाल गए। तो वही सोच के ये टीम मैंने बना रखी है, इसमें भी सोरीफुल है और मुस्तफिकुर रहमान है। तो इस टीम को आप जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लग रही है। और पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया तो ये टीम कुछ बड़ा धमाका करके दे सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की 5 आज की 9 टीमों, और 10वें नंबर की टीम देख लो। 10वें नंबर की टीम देखने से पहले दोस्तों अगर आपने इसे ऐप डाउनलोड नहीं करा जरूर कर लेना, कुबेरा ऐप का नाम है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप एंट्री फी देखो, एंट्री फी अदर ऐप के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। यहाँ पर देखोगे 350 रुपये की एंट्री फी है और 1000 रुपये प्राइस है। और ये जो एंट्री फी है, इतने का एंट्री फी आपको किसी भी ऐप में नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो जरूर डाउनलोड करो, इसकी लिंक जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर ड्यो मोड भी बहुत यूनिक मोड रहता है, यहाँ पर आपके विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ड्यो मोड में मात्र आपको एक प्लेयर चूज करना रहता है, ना तो कैप्टन बनाना रहता है, ना तो वाइस कैप्टन, और ना ही 11 प्लेयर आपको प्रेडिक्ट करने रहते हैं। तो एक प्लेयर को प्रेडिक्ट करके आप काफी अच्छा आराम से विन कर सकते हो। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी हो तो। चलिए अब 10वें नंबर की टीम देख लेते हैं, और टेलीग्राम से जरूर जाना क्योंकि फाइनल अपडेट, फाइनल टीम आपको वहीं पर ही मिलेगी दोस्तों। ये टीम एकमात्र ऐसी है जो मैंने बांग्लादेश के फेवर में टीम बना रखी है। इसमें आप देखोगे नाजमुल हसन सेंटर को रखा है कैप्टन, क्योंकि लास्ट टेस्ट में अच्छे फॉर्म में वापस से आते हुए दिखे, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है टेक्निकली, तो दोस्तों इनको मैंने कैप्टन ट्राई कर रखा है। मोहम्मदुल्लाह है, मुस्तफिकुर रहीम है, टॉप ऑर्डर का बांग्लादेश फिर से कॉलेप्स करा है, उस कारण से मिच स्टार्क टीम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखोगे 4 मैंने बॉलर मैंने ट्राई कर रखे हैं बांग्लादेश की साइड से, और डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, जॉस इंग्लिस है, इन प्लेयरों को कॉम्बिनेशन लेके मैं चला हूँ दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और टेलीग्राम से जरूर जाना क्योंकि वहां पर आपको फाइनल अपडेट, फाइनल टीम मिलेंगी। प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इस तरीके के ग्रैंड लीग के नेक्स्ट मैचेस के वीडियो आए तो आपको रेगुलरली अपडेट मिलता है।